हेलो दोस्तों, आज है यवला मंडी और आज की तारीख है 2 जुलाई 2024। आज मंडी का जो कस्टमर का जो सिलसिला बोल सकते हैं या माहौल है वो बहुत शांत है बिल्कुल। और आज बच्चे भर भर के आए हुए, पूरे मंडी में सबसे ज़्यादा बच्चे ही है, मिनिमम 50 के ऊपर बच्चे हैं। लेकिन आज कस्टमर ने इक्के दुक्के 2-3 घोड़े सेल हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बारिश भी थी आज सवेरे, इसलिए कस्टमर भी कम थे। और बारिश होने के कारण फिर किसान लोगों का जो बी भोजना वगैरह जो भी रहता है, जिसे मराठी में हम बोल सकते हैं पेरनी, वो खेती के काम चालू हो गए, तो थोड़े कस्टमर अभी कम है। तो इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट जो है इसमें लगभग जितने सारे बच्चे वगैरह है वो सारे मैं बताने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। लगभग इंडिविजुअली पार्ट कुछ बना चुका हूँ मैं, कुछ रील्स बना चुका हूँ, लेकिन देखेंगे अभी। इसमें बहुत सारे जो घोड़े हैं बच्चे वो आपको मैं बताऊँगा। ये बाबू भाई है जिनकी गाड़ी आज उतरी थी, उन्होंने 7-8 बच्चे आए थे। बच्चे सारे उम्दा क्वालिटी के हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है अभी। अभी ये हफ्ता भर भी यहाँ से सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे हैं बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई कि क्या रेट के बच्चे रहते हैं क्या नहीं, तो ये कुछ कोई बता नहीं सकता है भाई। लगभग कभी कभी ऐसे भी आप कमेंट्स करते हो या मुझे इंस्टा पे भी बोलते कि आप ये व्यापारी लोग रेट क्यों नहीं बताते, तो कुछ व्यापारी बताते कुछ नहीं बताते, लेकिन लगभग यहाँ पे 20,000 से लेके 50,000 तक की बच्चे की कीमत रहती है, ज़्यादा कुछ कीमत रहती नहीं है बच्चे के खास करके। और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा रहा, कुछ मार्किंग में रहा, कुछ क्वालिटी प्योर ही, उसके थोड़े से और ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ये एक बात मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि डिपेंड ऑन क्वालिटी मार्किंग, इस पर भी कुछ कुछ कभी घोड़े के रेट निर्भर होते हैं। तो बाजू बार बार वीडियो के बीच में बार बार इधर से मत आए, तो एक जगह पे खड़ा रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ बच्चे हैं। और साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ मैं लास्ट वीडियो में। तो बहुत लोग बोलते कि आपके यहाँ पे 25,000 और 30,000 के बच्चे मिल जाते हैं, तो दोस्तों 25 के अभी 15 से भी स्टार्ट मिल जाएंगे आपको। लेकिन होता ऐसा कि वो 15 से 20 हज़ार वाले बच्चे वो काफ़ी छोटी साइज़ में रहते हैं, या तो फिर आपको 6-7 महीने के बच्चे भी 15 से 20 हज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा या उसके पैरों में कुछ दिक्कत रही या कुछ मार्किंग में दिक्कत रही, तो वही बच्चे आपको मिल सकते हैं छोटे कम रेट में। तो ये देख सकते हैं, अभी ये जो छोटा बच्चा आप सामने देख सकते हैं, चंबा बच्चा है, तो ये बच्चा आपको इसकी आस्किंग प्राइस 25,000 है, ये आपको कम से कम यहाँ पे 18,000-20,000 में व्यापारी छोड़ देता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप हम बच्चे क्या देख रहे हैं, कौन सी उम्र के देख रहे हैं और क्या मार्किंग के देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही आप कमेंट्स करिए। तो ये किसानों के और कुछ व्यापारियों के घोड़े, अंदर भी बहुत सारे घोड़े हैं आज। बर का फोन करतो, मैं तुम्हाला फोन करतो। हाँ, ये एक बहुत ही उमदा क्वालिटी का और अच्छा प्योर, जिसे बोला जाता है तेलिया कुमेद, तो ये तेलिया कुमेद ओरिजिनल टट्टू छोटा साइज का घोड़ा है, जो काफ़ी डबल बॉन्ड भी है, देख सकते हैं आप। और बहुत ही शानदार इसकी मार्किंग, मार्किंग में थोड़ा सा हल्का सा तिलक है और बाकी प्योर कुमेद है। इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी लग रहा है। और इसकी ये साइन है, जो इसकी शाइनिंग ही इसकी साइन है कि ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा पोनी है राइडिंग की, सबसे स्टेलियन है, अंडू है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये कुछ बच्चे हैं, कुछ पिछले हफ्ते के भी कुछ बच्चे यहाँ पे अभी भी है, जो कुछ सेल नहीं हो पाए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे आए थे। और एक आज एक व्यापारी की व्यापारी भी है जिनके पास में गाड़ी उतरी थी। कब कब आई थी गाड़ी? कल सवेरे। कितने बच्चे लाए थे? 6 लाए थे। वो दिन के बाद में सारंगेड़ा के बाद में आज मिल रहे आप सारंगेड़ा में? आप भी आए होंगे, बीच में आए थे क्या? आए थे। अच्छा, से पहले आए। अच्छा अच्छा
तो दोस्तों इनके पास में देख सकते हैं ये अबलक सबसे सुंदर जो सवेरे में आने के बाद में देखा, इसकी क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर बच्चा है, मार्किंग वगैरह और नेक कंडीशन वगैरह बहुत अच्छी है। और यहाँ पे और दो तीन बच्चे भी खड़े हैं। उसके बाद में कुछ बड़े घोड़े भी आपको मैं बता दूँ, ये है आज के मंडी के सारे घोड़े जो यहाँ पे आए थे, और कुछ 5-6 जो घोड़े वो सेल हो चुके हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और कुछ आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। जो भाई नए हैं चैनल के लिए, जिन्होंने पहली बार विज़िट किए चैनल पर, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा भी मनोबल काफ़ी बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक हमारे इसी चैनल से है, इसी नाम से है चैनल, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पेज भी, तो आप वहाँ पर भी काफ़ी जो मुझे फॉलो करते हैं आप ज़रूर वहाँ पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट वगैरह मैं फेसबुक पर देता रहता हूँ। तो जिस किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। थैंक यू।